भी इस बात करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की, जहां सरकार अब अपनी बेशकीमती जमीन को बेचने जा रही है। इसे लेकर ई नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जो सरकार की बेशकीमती जमीनें हैं उसे बेचा जाएगा। तो आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार अब पैसा जुटाने के लिए अपनी ही बेशकीमती जमीनों को बेचेगी। जो प्राइम लोकेशन की सरकारी जमीन है उनकी ई नीलामी की जाएगी। राज्यसभा ने इसका मसौदा भी तैयार कर लिया है। कैबिनेट में नजूम निर्वर्तन 2020 का मसौदा लाया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रही कमलनाथ सरकार और प्रदेश भर की अपनी बेशकीमती जमीनों को ई नीलामी के जरिए बेचेगी। इसके लिए राज्यसभा ने नजूम नियमों में बदलाव का मसौदा भी तैयार कर दिया है। प्रस्तावित नजूम निर्वर्तन नियम 2020 को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके अनुसार अब राज्यसभा के पोर्टल पर सरकारी जमीन की ई नीलामी की जाएगी। पोर्टल पर सिर्फ जमीन का मूल्य दिखेगा, बोली लगाने वालों का नाम नजर नहीं आएगा। सरकार इस तरह की ई नीलामी का प्रयोग छतरपुर के बंदर हीरा प्रोजेक्ट के लिए भी कर चुकी है। बता दें कि इस ई नीलामी में शामिल होने से पहले बोलीकर्ता को पोर्टल पर पंजीयन और जमीन के सरकारी मूल्य की 10% धरोहर राशि जमा करनी होगी। बोली लगाने के बाद यदि जमीन नहीं ली तो जो राशि जमा की गई थी पंजीयन के दौरान वो जब्त हो जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आर्थिक संकट का असर अब ये पड़ रहा है प्रदेश सरकार पर कि प्राइम लोकेशन की सरकारी जमीनों को बेचा जाएगा। कैबिनेट ने नजूम निर्वर्तन नियम 2020 का मसौदा तैयार किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आर्थिक तंगी के लिए कमलनाथ सरकार प्रदेश की अपनी बेशकीमती जमीनों को ही बेचने की तैयारी में। जिस तरह से छतरपुर के बंदर हीरा प्रोजेक्ट में ई नीलामी की गई थी उसी तरह इन जमीनों को भी ई नीलामी के जरिए बेचा जाएगा। इसमें जो नीलामी करता है वो पोर्टल पर पंजीयन और जमीन का जो 10% चार्ज होगा वो उसे जमा करना होगा, और अगर बोली लगाने के बाद जमीन नहीं ली जाती तो ये राशि भी